हुकूमत महंगाई का जिन बोतल में डालने में नाकाम, परेशान होकर रह गए जनूबी पंजाब के आवाम। महंगाई की शराब में 0.43% इजाफा, मजमूई शराब 15.86% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। हालिया हफ्ता घी, टमाटर, प्याज, चिकन समेत 25 अशियाई यूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कंपनियों की जारदारी के सामने हुकूमत बेबस। टोयोटा मोटर्स की 24 गाड़ियों की कीमतों में 5,80,000 रुपए तक का इजाफा। फॉर्च्यूनर, लेजेंड, डीजल 5,80,000 रुपए महंगी, नई कीमत 1,26,79,000 रुपए हो गई। फॉर्च्यूनर 2.8 सिग्मा 5,50,000 रुपए महंगी, कीमत 1,20,39,000 रुपए तक पहुंच गई। हमदा शहबाज बन गए 21वें वज़ीर-ए-आला पंजाब। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर हल्फ लिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्ला समेत पार्टी कायदीन की शिरकत। तकरीबी हल्फ बरदारी में अदालती हुक्मनामा भी पढ़कर सुनाया गया। हमदा शहबाज ने जिम्मेदारियां संभाल। हमजा शहबाज वज़ीर आला बनने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। ओहदा संभालते ही जहांगीर तरीन की रिहाइश का जा पहुंचे। पंजाब की हुकूमत साजी के मामलात पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन के हमजा शहबाज को मुबारकबाद। हमजा शहबाज ने तआवुन पर तरीन ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। तरीन ग्रुप के अरकान असेंबली और अताउल्ला ताड़, जीशान रफीक भी शरीक। हमदा शहबाज का हल्फ रुकवाने के लिए पीटीआई की इंटर कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। दो रुकनी बेंच की अपील पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश। फैसले के पैरा नंबर 9 में सदर गवर्नर के खिलाफ रिमार्क्स मुअत्तल। फ्रीकैन को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत ईद की छुट्टियों के बाद होगी। हल्फ बरदारी से पहले आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी एतराज लगाकर मुस्तरद कर दिया। उमर सरफराज सीमा का स्पीकर पंजाब असेंबली को खत, कहा कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा गवर्नर को दिया ही नहीं, इस्तीफा वज़ीर आज़म को दिया गया जो गैर आईनी है। गवर्नर पंजाब ने रेंजर्स तलब करने के लिए सदर को खत लिख दिया। उस्मान बुज़दार ने अपनी कबीना सजा ली। महकमा SMJD के नोटिफिकेशन के बगैर ही पंजाब कबीना बहाल। सरदार उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी भी वापस बुलवा ली गई। उस्मान बुज़दार बगैर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के वापस रवाना हुए। PTI को इमरान खान के दौरे मुल्तान के बाद पहला धचका। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ खवातीन विंग डॉक्टर हमीदा खानम ने PTI को खैरबाद कह दिया। कहा कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं, सोचे समझे मंसूबे के तहत नारेबाजी की गई। ऐसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती जिन्हें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतराम नहीं। आइंदा इंतखाबात की तैयारियां। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की तारीख में 15 मई तक तौसी कर दी। जनूबी पंजाब से PP टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतहरिक। मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तें तलब। कौमी असेंबली के लिए 40,000 और सूबाई के लिए 30,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट जरूरी करार। मुजफ्फरगढ़ के दो स्कूलों में तालिबात से नजेबा हरकत। सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर ने नोटिस ले लिया। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर सिविल एजुकेशन कौंसिल बुखारी और DO का तबादला। नोटिफिकेशन जारी। मामले की मजीद तहकीकात जारी। कैदियों के अहले खाना के साथ ईद मनाने की ख्वाहिश। मुल्तान की अदालतों में जमानत दायर करने वालों का रश बढ़ गया। एक हफ्ते में 300 से ज्यादा जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर की गईं।
कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का रमजान बाजार का दौरा, अशिया के मियार और मकदार का जायजा लिया। कमिश्नर की असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद को ईद स्टॉल लगाने की हिदायत। जनूबी पंजाब भर में गंदम खरीदारी मुहिम जारी, मुल्तान डिवीजन ने गंदम खरीदारी का मुकर्रर हदफ हासिल कर लिया। डिवीजन भर से अब तक 6,46,174 मैट्रिक टन गंदम खरीदी। कमिश्नर डॉक्टर शाद अहमद का गंदम खरीदारी मुहिम जारी रखने का हुक्म, जरिए इंतजाम की कारकर्दगी को सराहा। पोलियो से पाक मुआशरे का अज़्म, इंसदाद पोलियो मुहिम तेज, बहावलनगर में पोलियो मुहिम के लिए 2035 टीमें तश्कील। 5,79,638 बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर अब्दुल जब्बार गुजर की सरबराही में इजलास हुआ। 23 मई से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा। जनूबी पंजाब भर में पाक फौज से इजहार यकजहती, उस शरीफ में पीटीआई समेत सियासी समाजी तंजीमों की रैली। पाक फौज के हक में नारे, बिहाड़ी में इत्तेहाद रिक्शा यूनियन ने रैली निकाली। उधर लैया में अंजुमन ताजरान की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। स्कूल एजुकेशन का बच्चों के लार्ज स्केल असेसमेंट करने का मंसूबा, कामयाब प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सवालिया पेपर ऑनलाइन निकाले गए। मुल्तान भक्कर 24,000, बिहार 34,000, बहावलनगर के स्कूलों के लिए 29,000 सवालिया पेपर निकाले गए। डीडी खान के स्कूलों के लिए 17,000 सवालिया पेपर्स बनाए गए। ईद के बाद 3 साल LLB पार्ट वन का इम्तिहान लेने का फैसला। गवर्नर पंजाब ने बहाउद्दीन जक्कर यूनिवर्सिटी मुल्तान को पार्ट वन के 2019 के दूसरे सालाना इम्तिहानात लेने की इजाजत दे दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को ईद तातीलात के बाद इम्तिहानी शेड्यूल जारी करने की हिदायत। और ईद का त्यौहार और मुल्तानी खुशियों की बहार, तिल्लेदार कढ़ाई, मोतियों और रंग बिरंगे धागों से खुश से तैयार। जनूबी पंजाब भर में ईद की तैयारियां तेज, मार्केट्स में मर्द खवातीन और बच्चों का रश, शहरी ने बाजारों का रुख कर लिया। खुशियों के मुनफरिड डिजाइन खवातीन की तवज्जो का मरकज़।